स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे एमपीएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर की प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एमपीएसआई का पार्ट टू लेकर आई हूँ। पार्ट वन में बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज़ भी चल रही है, जिसके तीन पार्ट में बना चुकी हूँ, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं वहाँ से। और हमारे चैनल पर एमपी जीके, जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस की सीरीज़ भी चल रही है, तो उन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज एमपीएसआई का पार्ट टू। इस पार्ट में मैंने 27 अक्टूबर 2017 के दोनों शिफ्ट कवर की है। सबसे पहले हम 9 बजे की शिफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महाभारत में कौन सी नदी को चार मान्यवती के नाम से उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, चंबल, शिप्रा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन ऊर्जा क्षमता के प्रतिशत उपयोग के अनुसार सभी भारतीय राज्यों में से मध्य प्रदेश का स्थान देश है? तो ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, धार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर। आदि शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिकमगढ़ के देश में जीआई टैग होता है? ऑप्शन है बेल धातु सामग्री, साड़ी, चमड़े के खिलौने, कपड़ा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बेल धातु की सामग्री, ठीक है। टिकमगढ़ के बेल धातु की सामग्री में जीआई टैग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड का अलहेत समुदाय अल्लाह उदुल और उनके द्वारा लड़े गए देश युद्धों के बारे में गाता है? ऑप्शन है 46, 50, 48, 52। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 52, ठीक है। बुंदेलखंड का अलहेत समुदाय अल्लाह उदुल और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में गाता है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद आमिर खान कहाँ के निवासी है? ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, झाबुआ, भोपाल। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है इंदौर। उस्ताद आमिर खान इंदौर के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूका कनाडा। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है अक्षपाद गौतम, ठीक है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? अक्षपाद गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री ओपी कोहली किस वर्ष से इस पद पर नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है 2016, 2017, 2014, 2015। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है 2016, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री ओपी कोहली किस वर्ष में नियुक्त हुए थे? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामांकित किए जाने वाले एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कतर की राजधानी क्या है? ऑप्शन है बेरूत, माले, तेहरान, दोहा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है दोहा, ठीक है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको सारी कंट्रीज की करेंसी और कैपिटल, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। इसका क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, तो आप सारे कंट्रीज की करेंसी और कैपिटल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, सोन, शिप्रा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है
नर्मदा, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरुंधति राय, ऋतु बेरी, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विक्रम सेठ, ठीक है। टू लाइव्स के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, छतरी बाग, अशोक स्तंभ, गौस मोहम्मद का मकबरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गौस मोहम्मद का मकबरा, ठीक है। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? ऑप्शन है जामनेर, चंबल, काली सिंध, पार्वती। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है जामनेर, ठीक है। मध्य भारत क्षेत्र में जामनेर नदी का प्रवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिणी का द्वार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शाजापुर, खंडवा, टिकमगढ़, बुरहानपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बुरहानपुर, ठीक है। दक्षिणी का द्वार, गेटवे टू द सदर्न इंडिया, कौन सा कहलाता है? बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है तानसेन पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कबीर पुरस्कार, ठीक है। 1986-1987 में कौन सा कबीर पुरस्कार स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्ताना किसकी उत्तराधिकारी थी? ऑप्शन है रुकनुद्दीन, बैरम शाह, मसूद शाह, बलबन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रुकनुद्दीन, ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी? रुकनुद्दीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्वालियर, ठीक है। बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, श्री अरविंदो घोष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विपिन चंद्र पाल, ठीक है। विपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां मारा था? ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी, सीधी, श्योपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिवपुरी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया था? ऑप्शन है बुरहानपुर, उमरिया, झाबुआ, विदिशा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है झाबुआ, ठीक है। झाबुआ जिले से अलीराजपुर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालूजी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है मालवा, पूर्व निमाड़, पश्चिम निमाड़, बुंदेलखंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पश्चिम निमाड़, ठीक है। कालूजी महाराज का मेला पश्चिम निमाड़ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 2014, 2012, 2015, 2013। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2012, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शहडोल, खंडवा, बुरहानपुर, रीवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खंडवा, ठीक है। श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत अच्छी तरह से जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है जीमेन प्रभाव, सोनार, डॉपलर प्रभाव, रडार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत अच्छी तरह से जांचने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि किस स्थान से गति नहीं कर सकती? ऑप्शन है वैक्यूम, स्टील, हाइड्रोजन गैस, वाटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैक्यूम। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? ऑप्शन है लोहा, प्लेटिनम, जस्ता, एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। ठीक है, घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक एल्युमिनियम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रह है जिनके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है? ऑप्शन है बुध तथा शुक्र, मंगल और बुध, मंगल और शुक्र, अरुण और शुक्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बुध तथा शुक्र, मर्क्यूरी एंड वीनस। इनके द्वारा, इनके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है बोन्स, प्राइमेट, जीवाश्म, पक्षी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जीवाश्म। ठीक है, फॉसिल्स, प्लेंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय व कॉफी में मुख्यतः कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है एस्पिरिन, निकोटीन, क्लोरोफिल, कैफीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कैफीन। ठीक है, चाय व कॉफी में मुख्यतः कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स 27 अक्टूबर की पहली शिफ्ट हमारी ख़त्म हो चुकी है। हम 27 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट देखेंगे जो दिन के 2 बजे की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन उसका। मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? ऑप्शन है 43, 41, 44, 42। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 43। ठीक है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक 10 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 7, 10, 12, 5। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12। ठीक है, सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से देश से निर्मित एक छोटा संरचना था? ऑप्शन है पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी और गीली मिट्टी और ईंटें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ईंटें। ठीक है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से ईंटों से निर्मित एक छोटा संरचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है? ऑप्शन है प्रदर्शन से पूर्व की कविता, प्रदर्शन से पश्चात की कविता, नृत्यकियों द्वारा पहने गए आभूषण, नृत्यकियों द्वारा पहने गए वस्त्र। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर है प्रदर्शन से पूर्व की कविता। ठीक है, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है, वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, ढोला मारू
किस राज्य का लोकगीत है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के क्षेत्र का लगभग दश भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। ऑप्शन है 9.8%, 9.9%, 9.5%, 9.0%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 9.5%। ठीक है, देश के क्षेत्र का लगभग 9.5% भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, ब्रज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संस्कृत। बांधवगढ़ किले के शिलालेख संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है? ऑप्शन है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तर। ठीक है, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान उत्तर दिशा की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुभारंभ की गई ई रकम पोर्टल किस क्षेत्र के कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन है खनन उद्योग, छात्र, आय करदाता, किसान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था? ऑप्शन है 1527, 1529, 1528, 1526। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1526। ठीक है, 1526 में बाबर ने भारत में मुगल शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1955, 1954, 1953। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1954। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था? ऑप्शन है 1957, 1955, 1956, 1954। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1955। ठीक है, 1955 में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी पहल औषधीय पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है? ऑप्शन है हाईटेक प्लांटेशन योजना, लोक वानिकी मिशन, जनवादी संरक्षित क्षेत्र, NWFP स्कीम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जनवादी संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है मुरैना, सीधी, ग्वालियर, निमार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सीधी। ठीक है, सीधी जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? ऑप्शन है मटकी, बड़ाई, गणगौर, राई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? ऑप्शन है अहिराई, गणगौर, नौराता, राई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नौराता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है सांची, भोपाल, उज्जैन, खजुराहो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खजुराहो। वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन खजुराहो में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मामलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, खजुराहो, रतलाम, ओमकारेश्वर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर। मामलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबी फसलों की बुवाई का समय क्या है? ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, जनवरी फरवरी, नवंबर से दिसंबर, फरवरी मार्च। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, भारत में रबी फसलों की बुवाई का समय सितंबर से अक्टूबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है परमार, चंदेल, भूमिहार, गवारिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परमार। ठीक है, राजा भोज राजपूतों के परमार वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित होगा? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भोपाल। ठीक है, भोपाल शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन है लूनी, भोगावा, सिंधु, रावी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रावी। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली धातु कौन सी है जो मानव ने उपयोग की थी? ऑप्शन है एल्युमिनियम, स्वर्ण, लोहा, तांबा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तांबा। ठीक है, सबसे पहली धातु जो मानव ने उपयोग की थी वो थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है? ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, साधारण नमक, शुगर और ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे ग्रेफाइट भी बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो सकता है? ऑप्शन है फेफड़े, किडनी, लीवर, हार्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लीवर। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से लीवर खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है? ऑप्शन है लंग ट्रबल, किडनी ट्रबल, हार्ट फेलियर, लीवर डिजीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किडनी ट्रबल। ठीक है, डायलिसिस का उपयोग किडनी ट्रबल मरीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व की का चीनी का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन है क्यूबा, अर्जेंटीना, यूएसए, इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा चीनी का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पल्सर, कासर, सोनार, रेडार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किस तरह मापा जाता है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और एल्टीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बैरोमीटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो फ्रेंड्स यही पे हमारी 27 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट भी ख़त्म होती है। आज हमने 27 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट देख ली है। नेक्स्ट पार्ट में मैं 28 अक्टूबर को जो दोनों शिफ्ट हुई थी वो लेकर आऊँगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो
कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एसआई के प्रीवियस ईयर पढ़ते के साथ साथ आप कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर भी पढ़ते चलिए, आपके दोनों पेपर प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।